हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। दोस्तों आज हम नाश्ता में ये जबे बनाएंगे। ये मार्केट में एक पैकेट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, खुले हुए भी मिलते हैं, लेकिन पैकेट वाले ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये इस तरह से सिमइयों जैसे होते हैं और ये सिमइयां ही होते हैं, लेकिन इसको जबे भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये बच्चों के नाश्ते में भी बना सकते हैं और कभी भी हल्की फुल्की भूख में भी बना सकते हैं। तो इसमें डालने के लिए मैंने लिया है, एक प्याज ली है कटी हुई, एक टमाटर लिया है कटा हुआ, थोड़ी सी मैंने बीन्स ली है और हरी मिर्ची ली है। आप इसमें सब्जियां और जो पसंद करते हो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों नाश्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आप जो ऑयल खाते हो, आप जो ऑयल पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। ऑयल को हम दोस्तों गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे राई। इसमें दोस्तों हम जीरा नहीं डालते हैं, अगर आप जीरा पसंद करते हैं तो आप जीरा भी डाल सकते हैं। और राई को हम अच्छे से तड़कने देंगे। देखिए दोस्तों राई तड़क गई है, अब हम इसमें हरी मिर्ची भून लेते हैं और एक दो मिनट तक। ये देखिए हरी मिर्ची भून गई है और ये दोस्तों तेल में भूनने से हरी मिर्ची का जो चटपरापन है वो अच्छा स्वाद देता है इसमें। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं, प्याज को भी हम एक दो मिनट गर्म होने तक भूनते हैं। देखिए दोस्तों प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। साथ में जो हमने थोड़ी सी बीन्स ली थी उसको भी ऐड कर देते हैं। आप दोस्तों इसमें शिमला मिर्ची या आलू या जो सब्जी आपको पसंद है आप वो सब्जी ऐसे मिक्स कर सकते हैं। और टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक इसमें भूनेंगे। देखिए दोस्तों ये टमाटर भी हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, हल्दी हम एक चुटकी डालेंगे। उसके बाद डालेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और दोस्तों थोड़ा सा इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। देखिए दोस्तों हम इसमें बहुत सारे मसाले नहीं डालेंगे और अब इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने जो जबे लिए थे यानी रोस्टेड सिमइयां उनको ऐड करते हैं और इसको भी एक बार मिक्स कर देते हैं। अब हम दोस्तों इसमें पानी डालेंगे। मैंने दोस्तों इसमें 1 कप पानी डाला है और अब हम इसको सिम गैस पर 5 मिनट के लिए ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। चलिए देखते हैं दोस्त हमारी सेमियां कैसी बनी है। और देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं और ये कितनी अच्छी लग रही हैं और ये अच्छे से पक भी गई हैं। अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में भी। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका स्वाद बढ़ जाता है। और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों नाश्ते में हमारी सिमइयां बनकर तैयार है और ये बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट रेसिपी होती है। ये बच्चे और बड़ों को सभी को पसंद आती है, बहुत ही जल्दी ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।